बसपा तीसरे नंबर की पार्टी है और अगर अपने पे आ जाती है तो अच्छे अच्छों के खेल खराब कर देती है। हरियाणा के अंदर टोटल वोट बताया जाता है 19% है सिर्फ एससी का, लेकिन एससी एससी ओबीसी का वोट काउंट करें तो कहीं ज्यादा है। लेकिन पिछली बार विधानसभा के चुनाव के अंदर जो वोट लेकर आई थी बसपा, वो लेकर आई थी 16%। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती का कहना है कि अभी जो देश के अंदर हालात हैं उनसे उनके समीकरण कहीं ज्यादा मजबूत नजर आते हैं, क्योंकि देश की आर्थिक व्यवस्था, नोटबंदी, जीएसटी जैसे मुद्दों पर बीजेपी को इस वक्त लोग वोट देने से कतरा रहे हैं और कांग्रेस का जनाधार बिल्कुल खत्म बता रही है बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती। वहीं पे अगर बात करें कि बसपा की, तो बसपा का गणित भी बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि गठबंधन से लोगों को जो उम्मीद थी वो भी नजर नहीं आ रहा है। इस पे कहां तक सार्थक उतर पाएंगी बसपा सुप्रीमो मायावती? बीजेपी के महासचिव अनिल जैन ने बताया कि हमारी सीट 17 की 17 सीटों पर विजयी पाएगी, क्योंकि मोदी जी का बहुत अच्छा कार्य है। वहीं पे बसपा सुप्रीमो बोल रही है कि मोदी जी का अच्छा कार्य नहीं है, क्योंकि नोटबंदी, जीएसटी जैसे मुद्दों पर सरकार को सभी लोग घेरे जा रहे हैं और अमेरिका के अंदर भी जो उनका कार्य था वो भी बहुत अच्छा नजर नहीं आया है और लोगों ने उसका विरोध प्रदर्शन भी करा है। हरियाणा के अंदर 19% वोट दलितों का बताया जाता है, जो कि बसपा ने पहले 16% वोट अपनी ले ली थी वहां पे, और अब बताया जा रहा है कि एससी एसटी ओबीसी को और इकट्ठा करके वोट बैंक कहीं ज्यादा बढ़ जाता है और अपनी हरियाणा के अंदर विजयी देखती हुई नजर आ रही है बसपा अपने आप को। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।